बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। शान सुखन है ये सेगमेंट, यानी कि बैतबाजी का सेगमेंट, यानी कि शेर व शायरी का सेगमेंट। और आज हमारे साथ जो दो टीम्स हैं, टीम ए में है जवेरिया और आयशा, टीम बी जो कि है फैजान इंटर कॉलेज कोरंगी से, टीम बी में है कशफ और हुजैफा, ठीक नाम लिए मैंने दोनों के। और आज अभी सर इकरार साहब ब्रेक में भी कह रहे थे, निस्बतन जूनियर टीम्स हमारे साथ हैं, इसलिए ये पहली बार है कि ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक के तलबा और तालिबात हैं। मेरे ख्याल है कि इनकी बड़ी भरपूर हौसला अफजाई की जाए ताकि शेरों के दरमियान। हाँ, तो जनाब आप लोगों के साथ जाएंगे सुपरस्टार फूड बस्ती कर्शी के गिफ्ट हैम्पर्स, और इसके अलावा आज का जो विनर है वो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए। बैतबाजी का जो फाइनल विनर होगा वो अपने साथ जीत कर लेकर जाएगा हबीब ऑयल मिल की कार। खाने बनाइए हबीब ऑयल में, क्योंकि उनका पैगाम है कि ये दिल का मामला है। और आज का जो विनर है वो अपने साथ सुपरस्टार की बाइक भी लेकर जाएगा, लेकिन देनी नहीं है इनको, इनके अम्मा या अब्बा को बुला के उनके हवाले करनी है, क्योंकि 16-18 साल से कम उम्र बच्चा है। सही है, ठीक है सर, कोई शेर पढ़े फिर 10 मिनट होंगे, इकरार साहब शेर पढ़ेंगे, उसके बाद से लेकर अगले 10 मिनट आप लोगों के पास होंगे। 5 मिनट पहले हम दोबारा रिमाइंड करा देंगे, और वो जो तकरार वाला रूल था वो मैंने बता दिया ऑफ कैमरा। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने जाके राहत इंदौरी का एक शेर अभी सुबह मेरे जहन में गूंज रहा था, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। अच्छा, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख, और कहीं पे रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो। वाह, रख दो, वाह, आधा बर्जन, आधा बर्जन जी। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वाह, बहुत अच्छा, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, वो जो तारीक राहों में मारे गए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। नजर अंदाज मत करना समझ कर अदना चिंगारी, ये शोला बन भी सकती है, जला सकती है महलों को। वाह, वो नहीं मौत सही, मौत नहीं नींद सही, कोई तो आ जाए शबे गम का मुकद्दर बन जाए। ये मासूमाना ख्वाहिश, कोई आ जाए। हाँ, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। नून, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल के खामोश रहूं। नून, नजर आता है मुझको सुर्ख रू होना शहीदों का, वो इत्मीनान वो हंसता हुआ चेहरा उम्मीदों का। अलिफ, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, दूर कर दिया अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। क्या कहने, क्या कहने, हथियार है औजार है अफवाज है, लेकिन हाँ, वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। वाह, अलिफ, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। इशारात, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। नून, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ते वेरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। किश्ते वीरा से, ऐसे आपकी इसलाह के, ये अकल के सहमे हुए बीमार इरादे, क्या चार है ना साज ये हालात करेंगे। ये वो कौम है जो ख्वाबे खरगोश में जीती है, ये वो कौम है जो चाक हुए दामन को भी सीती है, और कितनी मिसालें दूं मैं तुझे इस कौम की, अरे ये वो कौम है जो जुर्रत से जामे शहादत भी पीती है। ये वो किस्सा अलम है कि तड़प तड़प उठोगे, मेरे दिल का हाल सुनना कोई दिल लगी नहीं है।
अच्छा जी, हम आखिरी 5 मिनट का काउंटर स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये नहीं है, ये ये सारे हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजर से गिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ये ये सब रास्ते के साथी हैं, इन्हें आखिर बिछड़ना है, चलो अब घर चले साहर, बहुत आवारगी कर ली, बहुत आवारगी कर ली। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है। ये नफरतों की बातें किसी और दिन पे छोड़ो, अभी रब से खैर मांगो, मेरा देश जल रहा है। या मुझे वसल अता कर मालिक, या मेरा हिजर मुकम्मल कर दे। ये दो नुक्ताजी है कहीं चुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वही चुप के बैठ जा। 4 मिनट। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वाओ। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए जुहूद। दाल दाल दागे सुजूद गर तेरी पेशानी पर है तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी करके जमीन पर निशान रहे। नून। न दौलत से न इज्जत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। ये भी शायद जिंदगी की एक अदा है दोस्तों। अच्छा। ये भी शायद जिंदगी की एक अदा है दोस्तों, जिसको साथी मिल गया वो और तन्हा हो गया। अलेफ साथी मिल गया। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, सलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये सानेहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, ये सानेहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। ये यहाँ है कौन मेरा जो मुझे समझेगा मोहसिन, मैं कोशिश करके अब खुद ही बदल जाऊं तो बेहतर है। वाह। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है शौके खुदाई। ये जो खुली खुली थी अदावतें मुझे रास थी, ये जो जहर कुंद सलाम थे मुझे खा गए। इकरार साहब का बड़ा पसंदीदा शेर है। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामात थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। ये तकरीबन 2 मिनट। यही दर्द देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ये इश्क जिसके कहर से डरता है जमाना, ये इश्क जिसके कहर से डरता है जमाना, कमबख्त मेरे सब्र के टुकड़ों पे पला है। ये रुके रुके से आंसू, ये दबी दबी सियाहें, यूं ही कब तलक खुदाया हमें जिंदगी निभाएं ना सर साहब। जी निभाएं। नून। नहीं नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए, मिले भी नहीं। नहीं ऐसे बार मिले भी नहीं। निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जा पुरसोज, यही है रक्त सफर मीरे कारवां के लिए। ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये जिंदगी हो जाएगी अपनी भी सबूताश। सबूताश। आखिरी मिनट। ये या फिर वो जो से के ऊपर जो लीदगी पजमुर्दगी बेचारगी आवारगी, तेरे कुर्ब से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही ना मिला फकत। तूफान के रहम पर थी फकीरों की कश्तियां, तूफान ही कश्तियों को चलाता चला गया। अलिफ। क्या बात है। 30 सेकंड। उसी बुढ़िया की गमख्वारी को पहुंचे रहमत दो आलम, वो जिसका काम था रह में सदा कांटे बिछा देना। अलिफ। अलिफ। जी। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज,
इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। आखिरी शेर रे से। रह गई रस्मे अजा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। ये वक्त हुआ खत्म। जनाब इकरार उल्लाह साहब भाई वाह वाह, पहले वो एक बार शेर दोबारा सुना दीजिए। या मुझे वसल लता कर, या मुझे वसल लता कर मालिक, या मेरा हिजर मुकम्मल कर दे। क्या कहने, दोनों टीमों के लिए जरा तालियां बड़ी भरपूर हो जाएं। क्या अच्छा मुकाबला किया दोनों ने भाई, वाह वाह वाह। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ तलफ़ कुछ लफ्ज कुछ वजन वगैरह, लेकिन आपकी हौसला अफजाई के लिए और हौसला अफजाई से भी ज़्यादा आपने वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दोनों टीमों ने, मुश्किल फैसला है हमारे लिए करना, लेकिन शेर पढ़ते रहिए आने वाले वक्त में भी। अब जब आप बहरे हम लोगों की एज तक पहुँचेंगे तो फिर और भी इंशाल्लाह। हमारी कौन सी इनसे बहुत ज़्यादा एज है, मतलब एक डेढ़ दो चार साल दो महीने बाद की। हाँ अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छी सुखन फहम बच्चे और बच्चियाँ होंगे आप। हमारे पास दो टीमें थी, टीम ए फजाइया इंटर कॉलेज कुरंगी और दूसरी टीम थी सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल कराची। दोनों हम उम्र थे, तकरीबन एक ही तरह की क्लासेस के बच्चे और बच्चियां, लेकिन थोड़े से बहुत थोड़े से मार्जिन के साथ जो टीम हारे उसने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े से मार्जिन के साथ आज की फातह टीम जो है वो हमारे पास सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल की टीम यानी टीम बी। तो तालियां दोनों टीमों के लिए एक जैसी। वेरी वेल प्लेड। आपको जज साहब के कमेंट से ऑडियंस की तालियों से अंदाजा हुआ होगा कि आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला और आपका यहाँ आना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ये है असल जीत। ज़ाहिर है मुकाबले का तकाजा है, किसी एक टीम ने आगे जाना है, टीम बी आपको खास कर मुबारक हो। दोनों टीमों को बहुत सारी तालियों में रुख्सत करते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कैसे तुझसे करूं सामना।